तो जानबूझकर सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि दलित को दलित रहने दिया जाए, पिछड़ों को पिछड़े ही रहने दिया जाए। चाहे तो अपना कैमरा घुमा लिए, चारों तरफ जो दिख रहा है सब समाजवादी पार्टी की ईंट लगी हुई है। और भाजपा और सपा के मिली भगत और बसपा के मिली भगत से करोड़ों रुपए आते हैं और उसको घोटाला करके उसको बनवाने का काम, मरम्मत करने का। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं दायना जीरो। हमारा चुनावी सफर जारी है और इस चुनावी सफर के दौरान हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो वहां के स्थानीय मुद्दे होते हैं, वहां के लोगों की समस्याएं होती हैं, उस पर भी हम अलग से बात करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए समाज के कुछ जागरूक लोग हों, कुछ पार्टियों के, खासकर फोकस इस वाले कॉलम में हमारा फोकस होता है युवा लोगों पर। और हमारे साथ आज आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम युवा लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ अपने समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो कोई किसी पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आपका आपसे बात कर रहे हैं, आप किससे जुड़े? समाजवादी पार्टी से। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा। समाजवादी पार्टी की अभी यहाँ पर विधायक हैं आपके, विधानसभा सदर की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको इस बार? वो लगातार 9वीं दफा उनका इस बार वो विजय हुए हैं आजमगढ़ से, फिर विजय होना है, कोई आगे पीछे नजर नहीं आएगा उनके। आजमगढ़ को आप अगर उठा के देख लेंगे, आजमगढ़ के किसी भी कोने पर उंगलियां गिनते कम हो जाएगी जो विकास कार्य यहाँ हुआ है, मानी समाजवादी पार्टी सपा सरकार में, ठीक है? तो उंगली उठाते देख लेंगे आप कहीं भी, इस कोने से उस कोने तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, समाजवादी पार्टी की हमारी यहाँ एक एक ईंटों पे नाम लिखा हुआ है, अन्यथा यहाँ कोई नाम बदलने का सिलसिला जारी है। तो नाम बदला जा सकता है ना, वो फीता काटते हैं लोग, कार्य नहीं करते हैं, ईंटा हमारा रखा हुआ है और वो फीता काट के चले जाएंगे ना, इससे विकास थोड़ा ना होगा। किसी का नाम बदल दिया जाए, आजमगढ़ से आर्यमगढ़ कर दिया जाए, इससे विकास थोड़ा ना होगा। उनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, ठीक है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। आज तक तो हम लोग पाकिस्तान से अगले कभी भी किसी भी सरकार में, चाहे भारत की कोई सरकार बनी हो, हम लोग हिंदू मुस्लिम से नहीं डरे, पाकिस्तान से नहीं डरे जितना इस वक्त वो लोग डरवा रहे हैं। ना जानी समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं फूंक मारूंगा उड़ जाएंगे और फिर उधर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। समझ में नहीं आता है ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति करें, जो माननीय अखिलेश यादव करते हैं, विकास की राजनीति करें। बीजेपी का मानना है कि हम तो विकास की, तो हमने उत्तर प्रदेश में प्यार बहा दी, अगर आपके आजमगढ़ का डेवलपमेंट हुआ है तो उसका कारण भी वो केंद्र और राज्य की सरकार है। एक भी ईंटा दिखला दे या एक भी विकास का नाम दिखला दे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम छोड़कर। वो कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है एकदम वो बढ़िया सौगात दी है। अच्छा, प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि माननीय अखिलेश यादव ने उसका शिलान्यास किया, सारी सिस्टम वो किया, ये फीता काटने काम किया, आज तक कोई कार्य नहीं किया। आपका नाम एक बार फिर? मेरा नाम संतोष कुमार सोनकर है। संतोष जी, हम आपसे अभी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, यही लोग बताएंगे एक्चुअल स्थिति क्या है, यही लोग आपकी सरकार का और पिछली सरकार या उनकी सरकार के बताए। इससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं एक और कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की थी, उन्होंने कहा कि सपा हो या बसपा हो या कोई भी हो, विकास तो सिर्फ कांग्रेस सरकार में हुआ था और तब से यहाँ तक आजमगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे बड़े भाई ने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही कि पूर्व में जो सरकारें रही हैं वो ना पाकिस्तान से डरी है ना उन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्व में हमारी कांग्रेस सरकार थी जो पाकिस्तान से कभी नहीं डरी और पाकिस्तान की आंख में आंख मिलाकर बातें की। 56 इंच कहने से कोई 56 इंच का नहीं हो जाता। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं बड़े भाई की बात का समर्थन करता हूँ। रहा सवाल लोकल इश्यूज का, जिले का, तो 4 कदम पे आपकी यही सड़क है, देख लीजिए, जलालघाट से लेकर हर चुंगी तक आप खुद चले जाइए। एक एक ईंट पर विकास की लिखने की बात ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी ने, एक एक ईंट पर विकास का नाम लिख दिया है। दलाल घाट से हर्रा की चुंगी आप अपनी गाड़ी लेकर के अभी चले जाइए, एक ईंट भी अगर वहां दिख गई, एक ईंट भी अगर वहां दिख गई तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। एक ईंट भी अगर दिख गई आपको तो यहाँ और भी लोग खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। मैं सबसे बात करूंगा, आप बेसिकली आप दो लोग पार्टी से थे, किसी अलग अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करते हैं। अब क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय निषाद है और मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। आप एक एनजीओ चला रहे हैं और उसके अलावा और क्या करते हैं आप समाज सेवा से, जिससे रिलेटेड क्या काम करते हैं? समाज में जो भी हमारे जो भी सरकार रहता है, जो भी मुद्दे रहते हैं, हम लोग अगर जहां गलत होता है उसका विरोध करते हैं। अब आपके साथ दो चीजें, इनका कहना है, भाई साहब का कहना है
कि समाजवादी सरकार में यहाँ बहुत जबरदस्त विकास हुआ है और जो विधायक भी मौजूदा समाजवादी पार्टी के हैं और एक एक ईंट पे समाजवादी विकास का नाम लिखा। आप एक्चुअली किसी पार्टी से? नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो सही बात है, आजमगढ़ में अगर विकास हुआ है, पिछली सरकार जब समाजवादी की थी तो समाजवादी ही सरकार में ही विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब एक कलेक्ट्रेट भवन बगल में ही है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बना है। यहाँ पे जेल भी देख सकते हैं, यहाँ की PGI भी जो है, पिछली जैसे पिछली सरकार ने जो सड़कें वगैरह थी आजमगढ़ की, जो चौराहे हैं वो भी मरम्मत की। हम लोग चौराहे पे हर रविवार को साफ सफाई का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर आप जो है सपा सरकार, आप कह रहे हो कि सपा सरकार में विकास हुआ है? हाँ, सपा सरकार में विकास हुआ है। अगर जो भी सरकार, बीजेपी केंद्र, बीजेपी का दावा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से आजमगढ़ का विकास हो रहा है? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि आजमगढ़ का विकास वही, अभी जल्द ही माननीय अमित शाह जी ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। मुझे लगता है कि देखिए कब बनता है कब नहीं, 10 साल लगता है, 5 साल लगता है, या तो फिर अगली जब सरकार चुनाव आएगी उसमें जब उद्घाटन करना होगा तभी तक बनेगी, या तो 10 साल या तो 5 साल जो भी लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिराज अहमद है। सिराज अहमद साहब, आप ये बताइए कि जैसे इन्होंने अभी बताया तो आपके अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, स्थानीय मुद्दा अभी फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बात नहीं हो रही, पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ स्थानीय मुद्दों की बात नहीं हो रही। स्थानीय मुद्दों में देखिए सबसे बड़ा मसला अभी रोड का ही है। हम लोग कई बार ज्ञापन दिए हैं, DM साहब को ज्ञापन दिया चुका है, उससे पहले कई बार विरोध प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया है वहाँ जाके कि कम से कम वो रोड बनवा दिया जाए, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बना, क्योंकि वो वाकई आपको जो मिली है ना, विधायक जी के पास हम लोग गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, वहाँ गए बाहर वो पता चला कि विधायक जी लखनऊ गए हुए थे, वो शायद वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर ये सामने आता है कि वहाँ आस पास में नियरेस्ट लगभग जो रोड खराब है वहाँ लगभग 2-3 पूर्व मंत्री लोग भी वहाँ निवास करते हैं जहाँ का रास्ता खराब है, तो वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोड अगर सड़कें सही नहीं रहेंगे तो फिर अस्पताल मुखराम निशाद नाम। निशाद साहब, आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोकल इश्यूज क्या है जिन पर बात होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो होनी चाहिए युवाओं पे, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। युवाओं तो एक बड़ा टॉपिक हो गया, युवाओं का टेरा है। मेरी बात सर, ये सरकार जो वर्तमान सरकार हो चाहे जो पिछली सरकार रही हो, जिन की भी सरकार आई हो, किसी ने जो है शिक्षा पे बात नहीं किया। हाँ। जो बेसिकली सबके लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, शिक्षा पे किसी ने नहीं जोर दिया। आज जो हमारे गरीबों के लिए बने विद्यालय हैं, प्राइवेट जो प्राइवेट केशन हो जा रहा है विद्यालयों का, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल बन जा रहे हैं, और एक तरफ जो स्कूल बने हुए हैं गरीबों के लिए प्राइमरी स्तर पर, जहाँ पे जो है गरीबों के लड़के पढ़ने जाते हैं, तो आज झुंझुना के रूप में योगी जी ने कहा कि 1100 रुपए में हम आपको जो है ड्रेस और जूता और मोजा और टोपी और स्वेटर सारे। आप ये बता दीजिए आज के डेट में जो योगी सरकार या मोदी सरकार डबल जिनकी जो सरकार है वो कहती है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, हम हर वर्ग के साथ हैं, हर पायदान पे हम खड़े हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि गरीबों के साथ क्या इन्होंने किया है, और गरीबों के साथ साथ जो बेरोजगार हुए हैं लॉकडाउन के दरमियान, जो इन्होंने नोटबंदी करके और बिना वजह के जो है कोरोना का भय दिखाकर, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भय दिखाकर इन्होंने जो लोगों को बेरोजगार कर दिया है, उसके बारे में इनके क्या कहना है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे इसके पहले की सरकार हो चाहे भविष्य की सरकार हो, इनके बारे में इनकी क्या सोच है, ये आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं। आपका मानना है कि युवा बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार और रहना चाहिए, कि शिक्षक बात होनी चाहिए, आप चिकित्सक बात करें, सारी व्यवस्थाएं जो युवाओं को केंद्रित हो और ये पार्टियों को इस पे बात करना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश निषाद है, मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। जी, जैसा कि हम उपाध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप करते क्या हो? सर अभी तो शिक्षा पे है, पब्लिकली हमारा जैसे पर्यावरण, लोगों को जागरूक करना, जो युवा भटके हुए हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, उनको एक जरिए कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है, न कि हमको किसी धर्म के नाम पे मजहब के नाम पे। करते क्या हमारा कार्य जैसे ये है कि हम लोगों को तक जाते हैं, उनको जैसे जो कुछ बच्चे हैं जितने होंगे कि ज्यादातर OBC ST लोगों के बच्चे होंगे, वो 5-7-10 साल की जहाँ होते हैं अगर 2 दिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके गार्जियन करते क्या है कि बेटा ऐसा नहीं कुछ कर रहे तो जाओ ठेला पे सब्जी लगा लो, नहीं कुछ करते हो बाहर मुंबई चले जाओ दिल्ली चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संगठन ये सोचता है कि अगर उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो पहले तो बच्चे को हम समझा के कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक उनके गार्जियन से जाके बात नहीं करेंगे, उनके गार्जियन उनको स्कूल तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो शिक्षा ले नहीं पाएंगे। जी, तो आपका क्या नाम है भैया? मिथुन निषाद, सभासद मौला सितारा। जी, आप बता, अच्छा आप सभासद, तो आप जो विकास
की बात हो रही है, आप अपने वार्ड में क्या विकास कर पाए हैं क्या? जी सर, हमारे वार्ड में तो विकास हुआ है, जिस जोत की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरे वार्ड से ही बिलोंग करता है। जो इस समय कार्ड चल रहा है माननीय समाजवादी पार्टी का इस शहर में, इस जिले में काफी कार्य हुआ है, जिनको लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए पिछले 25-29 साल से जो भी का है और आगे भी उन्हीं कराएगा। इस वजह से आप चार आपको लग रहा है कि वापसी करेगी समाजवादी समाजवादी आजमगढ़ में वापसी करेगी, 10 की 10 सीटों जीतेगी यहाँ से। अच्छा जी, ठीक है। आपका क्या नाम, आप किसी संगठन से जुड़े हैं या कोई पार्टी से? नहीं, मैं मेरा नाम तारिक फैसल है और मैं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का सभासद हूँ। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार आजमगढ़ में क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस बार जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। आप ये जान लीजिए कि आज की डेट में सिलेंडर का जो रेट है वो 1000 के ऊपर है, घर पहुंचाकर जो है 1000 से ऊपर सिलेंडर दिया जा रहा है। जो आपके जो है कि ये रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे कि सरसों का तेल है वो 200 के ऊपर है, पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है। और लगातार जो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो एक तरीके से जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनके हक और हुकूक को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं जब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो तब वो उनका सामाजिक स्तर ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो जानबूझकर सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि दलित को दलित रहने दिया जाए, पिछड़ों को पिछड़े ही रहने दिया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा में ना जोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है दलितों और पिछड़ों के साथ। आपका क्या नाम है भाई साहब? अजीजुर रहमान। आप किसी संगठन से जुड़े हैं या फिर आप आम सामान्य वोटर हैं? आप बताइए, आप तो ना कोई संगठन से जुड़े हैं ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है यहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या सरकार जो हिंदू मुस्लिम एकता की बार बार बात हो रही है कि उसके बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सरकार ही तो खाई पैदा कर रही है, कोई एकता की बात सरकार नहीं कर रही है। केवल इनके मंत्री सांसद विधायक इस तरह का बयान दे रहे हैं कि केवल खाई पैदा कर रहे हैं। और आजमगढ़ के विकास का, तो आजमगढ़ में केवल समाजवादी पार्टी ने विकास किया। आप चाहे तो अपना कैमरा घुमा लिए, चारों तरफ जो दिख रहा है सब समाजवादी पार्टी की ईंट लगी हुई है। ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट, कुछ भी, ये जो पार्क भी, कुछ भी आप कैमरा घुमा लिए चारों तरफ, केवल समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने इस सरकार में तो एक ईंट नहीं रखी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने ही समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बाकी अभी हम ये जो पॉलिटिकल दो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, इनसे फिर एक बार बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? अमर बहादुर यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, डीएवीपी कांग्रेस के जिला। अच्छा, छात्रों, अच्छा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस, तो आप भी कांग्रेस से जुड़े हैं? आप बताइए, आप कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस जिस हिसाब से इस 2022 चुनाव को लेकर और जो भी जमीनी मुद्दे हैं, किसानों के या युवाओं के या छात्रों के, जिस हिसाब से कांग्रेस विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है, जहां एक तौर पे माना जा रहा है कि विधानसभा में अगर विपक्ष में है समाजवादी पार्टी है, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम नहीं कर रही। अखिलेश यादव जी हैं जो बस ट्विटर और फेसबुक से अपना चलाते हैं अपने आप ही से, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना काम नहीं। उनका संसदीय क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही पलिया एक गाँव है बिलरियागंज में, गोपालपुर विधानसभा है, वहाँ पर एक पासी समाज के प्रधान के घर तोड़ दिया जाता है। घर तोड़िए, उनका गुनाह यही रहता है कि बस कुछ गांव का मैटर रहता है उसमें वो जाते हैं और पुलिस वालों से थोड़ी सी बहुत नोकझोंक होती है। कई थानों को पुलिस आती है, उस घर को तोड़ देती है बेवजह, ना कोई वारंट ना कुछ होता है, अधिकारियों को मिली भगत से तोड़ दिया जाता है। लेकिन ना वहाँ समाजवादी पार्टी के ना भाजपा के लोग, यहाँ समाजवादी पार्टी के, जबकि वहाँ विधायक उन जनता के, उन लोगों को जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों के मुद्दों को उठाने का, उनकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। वहाँ पे हम लोग 7 दिन तक उनके घर के बाहर धरने बैठे हुए थे और जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन किए थे, उसके बाद जाकर उन घर वालों को न्याय मिला। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष की जो भूमिका उसको निभाना नहीं। और भाई साहब ने कहा, और तमाम भाई साहब ने अपनी बातें की, समाजवादी पार्टी के यहाँ पर विकास के एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम है, तो मैं बताना चाहता हूँ 32 साल पहले हम लोग जब सत्ता में थे, अब 32 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में हुए रहे, तो हम बता देना चाहते हैं, इनको याद होगा जब सदर हॉस्पिटल में जब घुसेंगे तो उनके जस्ट राइट साइड में एक शिलापट लगा, उसको शिलापट को ध्यान से पढ़ेंगे, 1966 में उस सदर हॉस्पिटल को जो मंडल हॉस्पिटल उसको बनवाने का काम किया गया, सुखदेव पहलवान के नाम से स्टेडियम बनवाने का काम किया गया, गोपालपुर विधानसभा में जो वो बंधा बना हुआ घाघरा नदी से पूरे गांव को बचाने का गढ़वल बंधा, उतना लंबा बंधा आज तक पूरे इतिहास में आजमगढ़ में कोई बनाने, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं की गई, और भाजपा और सपा के मिली भगत और बसपा के मिली भगत से करोड़ों रुपए आते हैं और उसको घोटाला करके उसको बनवाने का काम, मरम्मत करने का।
और एक चीज बताना चाहते, कहते हैं कि हम चीनी मिल बनवाए, 32 साल पहले चीनी मिल की भी नींव रख दी गई थी। चंद्रजीत यादव यहाँ के सांसद थे, मंत्री थे, उन्होंने चीनी मिल की नींव, और भाजपा और समाज भाजपा और बसपा और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आए उसे खोलने बांधने और लूटने का काम किया। तमाम चीजें हैं और यहाँ पे जितने भी विकास कार्य के उसकी जो मजबूत नींव थी कांग्रेस पहले ही रख चुकी थी, इसको ये लोग सजो ले वही बहुत बड़ी बात है। और आप यहाँ से अभी गुजरेंगे सदर हॉस्पिटल का देख लीजिए रास्ता, जो अगर मरीज जाता है तो रास्ते में ही पता चलेगा आधा और बीमार पड़ जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ, इससे भी एक बातें कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के मामले में ये सरकार जो भी है बहुत ही, जैसे जो शिक्षा छात्रों के लिए करना चाहिए वो चीज़ नहीं किया। मैं डीएवी डिग्री कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, वहाँ की स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ को स्टाफों की बहुत कमी है। अच्छा, वहाँ पे स्टाफ नहीं है किसी भी विद्यालय, यहाँ जितने विद्यालय हर विद्यालय में स्टाफों की कमी, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। जहाँ 10 स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जहाँ 10 स्टाफ होने चाहिए वहाँ 5 ही है, 2 ही है विभाग में। ऐसे कई विभाग के तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, जो होते हैं विभाग के जो अध्यक्ष तो वही नहीं है। यह ऐसी स्थिति, और शिक्षा के मामले में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, लेकिन उन्हें आते हैं दोपहर तक क्लास चलेगी और एक दो क्लासेस चलेंगे, उसके बाद घर चले जाते हैं। आपका नाम क्या है? अमर बहादुर यादव। अमर बहादुर यादव जी थे हमारे साथ, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरी दमदारी से अपनी बात रखी। इनका कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ जो उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वो यहाँ दिखे नहीं और वो ट्विटर और यही फेसबुक खेलते हैं। क्या कह रहे हैं आप इस पर? आपको जो पब्लिक की राय है, जुड़े भी हैं, आपने अभी भी सुना, तो फिर क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव यहाँ एक दफा नहीं, कई दफा है, और उनका संसदीय क्षेत्र है। इससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी का संसदीय क्षेत्र था ये। जितना विकास कार्य उनके समय में हुआ है, सरकार तो है नहीं हमारी, फिर उसके बावजूद भी आजमगढ़ में जितनी दफा वो आए हैं कुछ ना कुछ योगदान दे के गए हैं, और एक दफा नहीं कई दफा आजमगढ़ में वो आ चुके हैं, और हर दुखों की, चाहे किसी प्रकार का कोई उनके के यहाँ जाता है फरियाद लेके, कभी वापस नहीं आया है। तो उनका सानी तो कोई है ही नहीं, ना कोई यहाँ सांसद हो सकता। माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव का कोई सानी आजमगढ़ में नहीं हो सकता है। क्या उनकी बराबरी कोई करेगा? इससे पहले पूर्व में चाहे जितने सांसद हों, कोई बता दे कि कोई एक कार्य करने का काम किए हैं? कुछ नहीं सर। अभी तक समाजवादी पार्टी का हर ईंटों पे नाम रखा है, फिर हमारी पार्टी आएगी, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और इससे ज्यादा आजमगढ़ का विकास होगा। आजमगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश का विकास होगा, और पूरे प्रदेश का विकास हुआ है, पूरी जनता जानती है। और जनता के इस बार जवाब पे है कि माननीय अखिलेश यादव आएंगे तो माननीय अखिलेश यादव आएंगे। क्या कहना है कि अखिलेश यादव आएंगे तो आएंगे, ना केवल आजमगढ़ में आएंगे बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो एक सबसे बड़ा जो अभी अगर बात करें तो कुछ दिन पहले हमको याद है जहां तक कि पोस्टर लगे थे यहां पर अखिलेश यादव लापता करके, कुछ समय पहले पोस्टर लगे थे, वो सब क्या था? सर ये तो पॉलिटिक्स है, हर पार्टी अपनी अपनी पॉलिटिक्स करती रहती है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स थी या ऐसा है कि अखिलेश यादव? नहीं, ये ऐसा है, ऐसा हम भी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ के सांसद हैं चाहे हम यहाँ के विधायक हैं तो हमको पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, पब्लिक के बीच जाना चाहिए। यह क्योंकि वो बड़े नेता हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, जो मुद्दे हों उसकी बात होनी चाहिए। नेता है या नहीं वह नहीं हो, जरूरी यह है कि जनहित के मामले, जिसको हम वोट जिसको बनाकर हम राजनीति करते हैं और जब हम सत्ता में आते हैं तो उसको भूल जाते हैं, ये जनहित की बात होनी चाहिए, यह मुद्दे होने चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। आप बात कर रहे थे कि आप जो अपने मुद्दे लेके जाते हो, कई बार आप यहाँ कोशिश करते हो विधायक को देने की अपना बात, जो आप युवाओं की बात उठाते हो, क्या आप अपनी बात सांसद तक या स्थानीय विधायक तक आसानी से पहुँचाने में सफल हो पाते हैं? हम लोग विधायक तक तो आसानी से पहुँचा देते हैं, लेकिन सांसद तक पहुंचाने में हम लोग को तकलीफ होती है, क्योंकि 2000 आपको होती है या पहुंचाने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत? दिक्कत ये होती है कि हमको यहाँ से पहुंचाने के लिए जाना पड़ेगा सांसद जी को लखनऊ तक। ले एक बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वाले 2019 में ये एनजीटी का एक दायरा लगाए थे 75 मीटर का नदी के किनारे से। हाँ, उसमें शासन ने आदेश भी दे दिया था कि जल्द से जल्द आप लोग मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो जल्द से जल्द हम लोग गिरा देंगे। इसमें ज्यादातर बैकवर्ड एससी एसटी ओबीसी के लोग ही आते हैं और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, तो इसमें लगभग 20,000 घरों के लोग बेघर होने वाले थे। हम लोगों की टीम यहाँ से गई लखनऊ,
लखनऊ से माननीय सांसद महोदय अखिलेश यादव जी से मिले हैं। मिलने के बाद जब हम लोगों ने अपना उनको ज्ञापन दिया जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के माध्यम से, तो उन्होंने केयर किया, ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद तुरंत ही यहाँ के DM जो थे नगेंद्र सिंह, उनको फोन किया कि क्या मामला है, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जल्द से जल्द ये लोग अगर नहीं खाली करेंगे तो हम लोग इनको खाली करवाएंगे। तो मैं माननीय सांसद महोदय जी को मानूंगा कि उन्होंने कार्य किया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जहाँ का भी सांसद हो, आजमगढ़ का सांसद हो, लोकल सांसद इसीलिए हो ताकि हम लोग अपनी बात रख सकें। नहीं तो अगर बाहर का कोई सांसद आता है तो अपना जगह समय एक निश्चित करे ताकि जो भी हमारी समस्या है, जो पब्लिक की समस्या है, वो अपनी बातों को सांसद या विधायक महोदय के पास रख सके। इनका कहना है कि सांसद जो है होना चाहिए स्थानीय, ताकि आप उस तक इजिली पहुंच सके। ऐसा ना हो कि आपको अगर कोई लखनऊ से है तो उस तक अपनी बात पहुंचाने के लखनऊ जाना पड़े, या फिर उनको ऐसी व्यवस्था वैकल्पिक करना चाहिए कि यहाँ पर जैसे अगर अखिलेश यादव जी अगर लखनऊ में हैं तो वो आजमगढ़ में ऐसी व्यवस्था कर दें कि इजिली उपलब्ध हो जाए, मतलब उनकी जनता की बात उन तक पहुँच पाए। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा अभी? नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो यहाँ के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जो सदर विधायक हैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी को उन्होंने नियुक्त किया है। और आप पता कर लीजिए कि दुर्गा प्रसाद यादव का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, एक समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति भी जाकर के उनको अपनी बात कह सकता है, अपनी समस्या को उसको अवगत कराया जा सकता है। दूसरी चीज, जिस रोड की बार बार बात हो रही है, देखिए वो रोड नगर पालिका के अधीन है, और नगर पालिका की जो चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन है, और माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जो कि सदर के विधायक, उन्होंने 10 मरतबा लेटर लिखा है अधिशासी अधिकारी को, चेयरमैन को कॉल करके क्या कि अगर आप नहीं बनवा सकते हो तो आप जो है कि NOC दे दो, हम उसको अपने निधि से या सांसद निधि से बनवा देंगे, क्योंकि वो कार्य योजना नगर पालिका द्वारा सिलेक्ट किया जा चुका है, उस पर सरकार द्वारा धन का आवंटन किया जा सकता है चुका है। ये जो डिले है वो नगर पालिका स्तर का डिले है। अच्छा। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आजमगढ़ के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। ये विकास कार्यों में लगातार भेदभाव हो रहा है। यहाँ के सांसद और ज्यादातर विधायक, ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सभी समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ है आजमगढ़, इसलिए आजमगढ़ के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है। आप ये बताइए कि इन्होंने घोषणा किया था विश्वविद्यालय की आज से 4 साल पहले, लेकिन शिलान्यास जब चुनाव नजदीक आ गए तब आके किए हैं, ताकि जो है कि उसका चुनाव में फायदा लिया जा सके, आजमगढ़ की जनता को जो है कि भरमाया जा सके, धोखा दिया जा सके। उनका यूनिवर्सिटी बनाना मकसद नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का एक लॉलीपॉप दिखा करके जनता से वोट लेने का मकसद है। इनका कहना कि सरकार जो यूनिवर्सिटी बात करे, जो भाजपा वाली यूनिवर्सिटी बात करें, वो एक सिर्फ लॉलीपॉप है। तो आपने देखा, अभी हमने सबसे बात किया, तमाम जी सब ने बड़ी शालीनता से हमारे सवालों का जवाब दिया और अपनी अपनी बात रखी। हम इसके लिए हमारी पूरी टीम इन सभी का बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहती कि आप लोग, और साथ ही ये कोशिश है कि आप लोग भी ऐसे अपनी आवाज़ उठाते रहें, आप पब्लिक के हित में काम करते, आप भी काम करते रहें और लगातार सक्रिय रहें, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें। तो चुनावी चर्चा जो हमारी है लगातार जारी है, आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, अगला टूर हमारा जो गोरखपुर पहुंचेगा, जो भी लगातार हम जारी है, तो हम तक आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहें द NH0।